अभी हमारा निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हमें यकीन है कि जब हमने अपने पुरुषार्थ का पराकाष्ठा कर दी, नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का पहला दिन खूब गर्म रहा। सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली के पेंशनर्स जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए। इतनी कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी सैकड़ों पेंशनर्स, वर्द पेंशनर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और दिन होते होते ये संख्या बढ़ती चली गई। वर्ध पेंशनरों का उत्साह देखते ही बन रहा था, ऐसा लग रहा था कोई युवाओं का आंदोलन हो रहा है। आंदोलन में एनएससी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी सबको संबोधित किया और सारे वर्ध पेंशनरों में उत्साह जगाया। और हमारी मांगे बहुत जल्दी पूरी होंगी, ये हमारा संकल्प है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हमारी पेंशन वृद्धि की घोषणा कभी भी हो सकती है, ये मोदी जी की सरकार है, हो सकता है आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, लेकिन हम अपनी मांगों को निरंतर दोहराते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आवश्यकता पड़ी तो हम हर बलिदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी बलिदान हो, पूरी तैयारी है। और सरकार को पता भी है इस बात का, सरकार को पता भी है कि इनकी प्रतिक्रिया पूर्ण होती है, लेकिन आप लोगों ने इस व्यवस्था के खिलाफ जो एक आंदोलन खड़ा किया है, ये आंदोलन दुनिया में एक काबिले तारीफ आंदोलन है कि असहाय लोग, गरीब लोग, बेसहारा लोग मिलकर भी बड़ी से बड़े सत्ता को